पहला, अगर मीनिंग लिखा जाए तो मैं क्या बोलूंगा, इट चेंजेस विथ द चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी दैट इज प्रोडक्शन. लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन. इट चेंजेस विद द चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब आप ज्यादा यूनिट्स बनाओगे तो ज्यादा खर्चा होगा, कम बनाओगे तो कम खर्चा होगा. दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो known as period cost. इसको हम लोग और sorry, it is also known as product cost. इसका दूसरा नाम क्या है, product cost, because ये product के ऊपर खर्चा होता है, एक unit के हिसाब से रहता है. But on the other way, if I talk about fixed cost, तो इसमें देखो थोड़ा change रहेगा. If I say ना it, तो it changes नहीं, fixed cost change नहीं होता, मैं बोलूँगा it remains constant. ये same ही रहता है, it remains constant irrespective of level of activity. मतलब आपका production बढ़े या फिर कम हो, आपका जो rent रहने वाला है वो पूरे साल का क्या रहेगा, constant रहेगा, मतलब same रहेगा. That's why it is also known as period cost. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, period cost. Because ये एक duration का मतलब एक साल का fix हो गया, एक period के लिए fix हो गया था आपका rent का खर्चा. So this is the basic meaning or basic differentiation between your variable cost and your fixed cost. थोड़ा सा आगे जानते हैं इसके बारे में. सो फॉर दैट मैटर आई हैव टू टेक वन एग्जाम्पल, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाएगा इस चीज़ का. सो लेट्स कम ओवर हियर नाउ. चलो एक डेटा लेते, सपोज जो एक ईयर ख़त्म हो गया है 2015, चलो इसका मैं एक्चुअल डेटा, पूरा साल ख़त्म हो गया, तो मेरे पास कौन सा डेटा अवेलेबल रहेगा, इसका एक्चुअल डेटा अवेलेबल रहेगा. ओके नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल, सपोज डायरेक्ट कॉस्ट की मैं बात करूँ, डायरेक्ट कॉस्ट, तो उसके अंदर सबसे पहला आता है तुम्हारा रॉ मटेरियल. चलो लिख देते हैं रॉ मटेरियल, ब्रैकेट में प्लास्टिक. आपका रॉ मटेरियल सपोज पेन बनाने के लिए, ये हमारी कौन सी कॉस्ट शीट है, एक्चुअल कॉस्ट शीट, एक्चुअल कॉस्ट शीट. ओके नाउ सपोज मैं ये बोलता हूँ कि आपका एक पेन बनाने का खर्चा है 5 रुपये, तो ये आपका कौन सा कॉलम हो गया, सीपीयू कॉलम, कि एक पेन बनाओगे 5 रुपये का खर्चा होगा. अब ये देखते हैं कि हम लोग ने पूरे साल में कितने मार्कर पेन्स बनाए, तो आई विल से क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड एंड क्वांटिटी सोल्ड. सपोज आप 10 मार्कर पेन बनाते हो, कितने मार्कर पेन, 10, तो एक पेन बनाने के लिए 5 रुपये का खर्चा, आपने 10 मार्कर पेन बनाए तो आपका खर्चा कितना हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा. क्लियर विद दिस, एक पेन के लिए 5 रुपये का खर्चा, दो पेन के लिए 10, ऐसा 10 पेन बनाओगे तो कितने का हो जाएगा, 50 रुपीज़ का खर्चा. हाउ डिड यू गेट दिस, यू विल से 5 × 10, सर फेयर इनफ. ठीक है नाउ दिस वॉज माई एक्चुअल डेटा. अब क्या होगा मालूम है, हम लोगों को कुछ एस्टिमेशन करना पड़ेगा. बेस्ड ऑन दिस एक्चुअल डेटा I will estimate something about my future, my upcoming year, that is 2060. So over here, what I will say, 2060, this is not actual, this is something which is estimated. तो चलो एक adjustment ले लेते हैं, और quantity manufactured. Next year के बारे में बात कर रहा हूँ, 2060. Quantity manufactured and sold की बात करता हूँ, suppose increased by 50%. मतलब नेक्स्ट ईयर आपका क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड कितना हो जाएगा, 50% से बढ़ जाएगा.
तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड एंड क्वांटिटी सोल्ड, तो कितना आएगा? 10 आएगा क्या? 10 नहीं आएगा, वो 50% से बढ़ने वाला है आपका प्रोडक्शन। मतलब आप कितना बनाओगे अभी प्लस 50%, मतलब आप 15 मार्क कर पर बनाने वाले हो नेक्स्ट ईयर। आप ये सोच रहे हो, दिस इज समथिंग विच इज एस्टिमेटेड, एंटिसिपेटेड, प्लान्ड और क्या है स्पेक्युलेटेड। कुछ तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, तो यू आर थिंकिंग दैट कि मैंने लास्ट ईयर में 10 मार्कर पेन बनाया था, ठीक है, तो अभी मार्केट में डिमांड थोड़ी ज़्यादा है, थोड़े ज़्यादा पेन बनाते हैं। कितने से प्रोडक्शन बढ़ाते हैं अपना? 50% से बढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा मैं 15 मार्कर पेन बनाऊंगा, ठीक है। तो मुझे ये जानने का है, अगर मैं 15 मार्कर पेन बनाऊँ ना, तो मेरा मटेरियल का कॉस्ट क्या आएगा? सपोज ये तुम्हारा डायरेक्ट कॉस्ट, मैं हेडिंग दे देता हूँ, चलो पहला लिख देता हूँ मैं रॉ मटेरियल, ब्रैकेट में लिख देता हूँ प्लास्टिक। तो मुझे ये जानना है सो कि मेरा टोटल खर्चा कितना आएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 50 आएगा, क्या आएगा, क्या आंसर आएगा? सपोज मैं ये बोलता कि आप 10 की जगह पे 20 मार्कर पेन बना रहे हो, तो ये 50 का खर्चा कितना हो जाता? 100 हो जाता, परफेक्ट। बिकॉज अगर प्रोडक्शन डबल हो रहा है तो डबल मटेरियल भी तो लगेगा, तो डबल खर्चा हो जाएगा अपना। बट यहाँ पे मेरा प्रोडक्शन कितने से बढ़ रहा है? खाली 50% से बढ़ रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि आपका यहाँ पे खर्चा कितना होगा? एक मार्कर पेन का सर 5 रुपया लगता है, ठीक है सर, एक मार्कर पेन का 5 रुपया, और मैं कितने बना रहा हूँ? 15 मार्कर पेन, ठीक है। तो एक का 5, तो 15 मार्कर पेन का सर आ जाता है 75। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते थे 50 का खर्चा था, 50% से प्रोडक्शन बढ़ा, 50% से कॉस्ट बढ़ गया, कितना? 75। क्लियर विद दिस? थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आया एक्चुअल डेटा और एस्टिमेटेड डेटा का। द रीज़न इज इसके आने वाले जितने भी क्वेश्चन है, हम लोग उसमें दो कॉस्ट शीट बनाने वाले हैं, एक आपकी एक्चुअल कॉस्ट शीट रहेगी और एक आपकी क्या रहेगी? एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, और ऐसे ही कुछ एडजस्टमेंट दिए जाएंगे। तो अभी तक देखो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि आपका जो मटेरियल कॉस्ट है ना, वो पर यूनिट में सेम रहता है। कैसे रहता है? पर यूनिट में सेम। देखो यहाँ पे भी 5 रुपये और यहाँ पे भी कितना है? 5 रुपया ही है। लेट्स टेक वन इजी एग्जांपल जिससे और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। एक पेन के लिए 5 रुपये का खर्चा, ठीक है सर, इतना समझ में आता है। दो पेन बनाओगे कितने का खर्चा सर? 10 रुपये का। बट एक यूनिट के लिए, एक मार्कर पेन बनाने के लिए कितने का खर्चा? 5 रुपये का ही लग रहा है ना। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में क्या रहता है? सेम रहता है, परफेक्ट। ये किसका एग्जाम्पल था? रॉ मटेरियल। एक्स्ट्रा पैकेज आता है अगेन 2000 का, ये जो एक्चुअल कॉस्ट शीट है यही रखते हैं हम लोग। दिस इज योर एक्चुअल कॉस्ट शीट, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड, क्वांटिटी सोल्ड, लेट इट बी 10 ओनली, टोटल कॉस्ट, सीपीयू कॉलम। बट दिस टाइम मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में से ले रहा हूँ। सपोज आपका पहला ओवरहेड क्या था? फैक्ट्री ओवरहेड। इनडायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहला था आपका फैक्ट्री ओवरहेड। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं रेंट का। Which rent पूरे साल का आपका है 1 लाख रुपया, ठीक है, जो समझ में आता है सर कि मैं 10 मार्कर पेन बना रहा हूँ, इट्स एन एग्जाम्पल, मैं 10 मार्कर पेन बना रहा हूँ और मेरा पूरे साल का रेंट कितना है? 1 लाख रुपया। तो आपका पर यूनिट क्या आता है? इफ यू कैलकुलेट पर यूनिट, सो वॉट यू विल से, इट्स 10,000। नाउ अगेन द इंफॉर्मेशन ऑफ 2016, दिस वॉज 2015 विच इज एक्चुअल। Now I will talk about 2016, which is estimated, something about future. I am again planning that in the next year, मेरा production 50% से बढ़ जाएगा। It means मैं 10 marker पर नहीं बनाऊँगा, मैं 50% से increase करूँगा। अगर मैं production 50% से increase करूँगा, तो sir मैं 10 की जगह पे 15 marker पर बनाऊँगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया। Total cost, CPU, again I will say indirect cost, then ये है आपका factory overhead, चलो मैं लिखता हूँ rent। अब आपको ये बताना है कि rent कितना रहेगा। मैं next year कितना बना रहा हूँ? 10 की जगह पे 15 बना रहा हूँ, बट रेंट मेरे ओनर के साथ मैंने कोई इंक्रीज करने की बात तो की नहीं थी, तो रेंट मेरा हर साल का सेम रहेगा। लास्ट ईयर 2015 में एक साल का रेंट कितना था? सपोज 1 लाख,
तो नेक्स्ट ईयर भी मैंने फर्स्ट डिसाइड कर लिया था कि रेंट कितना है, 1 लाख है, तो भले मैं 15 मार्कर रेंट बनाऊ या 20 बनाऊ या 25 बनाऊ, वो तो पीरियड कॉस्ट है, वो तो पूरे साल का एक फिक्स रहेगा, तो वो कितना रहेगा, 1 लाख ही रहेगा। ऐसा थोड़ी बोलोगे कि भाई 10,000 एक यूनिट के लिए, ऐसा होता है क्या कि एक यूनिट बनाया तो ओनर को जाके 10,000 देने का, ऐसा नहीं है, वो तो पूरे साल का फिक्स है, टोटल पीरियड में वो फिक्स है। तो आई विल से देन 1 लाख डिवाइडेड बाई 15, तो इट इज समथिंग 6667। नाउ देखो, अगर यहाँ पे आप 10 से 15 बना रहे हो तो भी आपका ये जो रेंट है वो क्या है, टोटालिटी में फिक्स है, 1 ही लाख पे करना पड़ रहा है। आप 25 यूनिट भी बनाते ना तो भी पूरे साल का रेंट कितना रहता, 1 लाख ही रहता। तो इससे सबसे पहले कंक्लूजन क्या आता है मालूम है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई से मटेरियल ना, इट इज माय वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इट इज माय वेरिएबल कॉस्ट। व्हेन आई टॉक अबाउट रेंट, इट इज माय फिक्स्ड कॉस्ट। तो पे अटेंशन, अब आई से वेरिएबल कॉस्ट लास्ट ईयर कितना था, 5, नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन बढ़ा बट फिर भी एक यूनिट के लिए कितना लग रहा है, वो 5 ही लग रहा है, ओके। बट इफ आई टॉक अबाउट फिक्स्ड कॉस्ट, लास्ट ईयर वो टोटल में कितना था, 1 लाख फिक्स्ड, और नेक्स्ट ईयर भले ही मेरा 10 से मैंने 15 मार्कर पेंट बनाया बट मेरा रेंट कितना है, वो 1 ही लाख है, बिकॉज वो यूनिट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो पीरियड का फिक्स रहता है। तो चलो उसके लिए भी एक नोट लिख लेते हैं यहाँ पे, सो डिस्टिंग्विश इसका लिख देते हैं, आपका सेकेंड डिस्टिंग्विश आ जाएगा रिगार्डिंग कॉन्स्टेंट, वेयर इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। So if I talk about variable cost, it remains constant in CPU column. It remains constant in cost per unit column. वो पूरी CPU में fix रहता है, भी एक unit का इतना ही लगेगा। But if I talk about fixed cost, तो I will say it remains constant in which column, I will say total cost column. Total rent पूरे साल का fix था, तो total cost column. Okay? So ये चीज हो गया, decide कि units बढ़े या फिर units कम हो, ये per unit में fix रहेगा और ये total में fix रहेगा, because वो पूरे साल का fix है। तो चलो अभी और थोड़े 2-3 चेंजेस देखते हैं, उससे और थोड़ा ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। क्वेश्चन में अभी और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा तुम लोगों को, ये तो इन्फॉर्मेशन था क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड, बट हमेशा है ना रेट तुम्हारे सेम नहीं रहता है, इन्फ्लेशन होते रहता है। तो मार्केट में जो लास्ट ईयर केजी जो मिल रहा था, मतलब एक पेन बनाने के लिए 5 रुपया लग रहा था 1 केजी का, तो वैसे अभी नेक्स्ट ईयर जब आप जाओगे तो ऐसा हो सकता है कि प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो चलो मैं एक थोड़ा सा एक एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं कि आपके जो प्राइसेस है, मटेरियल के प्राइसेस मैं बोलता हूँ, मटेरियल दैट इज प्लास्टिक, मटेरियल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय एनी अमाउंट, यू कैन से आई एम जस्ट टेकिंग 20%। व्हाट आई एम सेइंग इज 20%, इट मींस हम लोग 2015 खत्म होने के बाद ये सोच रहे हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर माई मटेरियल कॉस्ट दैट इज प्लास्टिक का कॉस्ट जो 5 रुपया था जो मैं खरीद रहा था वो कितने से बढ़ जाने वाला है, 20% से इंक्रीज होगा। वॉट 20% से इंक्रीज होगा। नाउ अब मुझे नेक्स्ट ईयर का कॉस्ट फाइंड आउट करना है, तो सो मैं कैसे करूँगा, 20% किस में ऐड करेंगे हम लोग, 50 में ऐड करेंगे क्या, नहीं। वॉट आई विल से, जो प्लास्टिक मैं पहले, ये प्रीवियस डेटा था, अभी नेक्स्ट, जो प्लास्टिक में पहले 5 रुपये पे परचेज कर रहा था वो प्लास्टिक अब रेट कितने से बढ़ गया, 20%, तो मैं कितने में परचेज करूंगा, 6 रुपये में परचेज करूंगा। समझ में आता है, 5 की जगह पे मुझे 6 रुपये देना पड़ेगा, क्यों, 5 + 20%, सो 20% दैट कम्स टू 6 ओनली, ओके। नाउ ये डिसाइड हो गया, अब एक्स्ट्रा आगे मतलब ये पता है कि नेक्स्ट ईयर एज एन व्हेन आई मैन्युफैक्चर 1 मार्कर पेन आई हैव टू पे ₹6, और मैं कितना बना रहा हूँ, 15 मार्कर पेन बना रहा हूँ। तो व्हाट आई विल से, 6 × 15, आई विल से 6 × 15, सो दैट कम्स टू 1 मार्कर पेन का 6 रुपया
और मैं बना रहा हूँ 15 मार्कर पेन, सो दैट कम्स टू 90. द अमाउंट इज 90 ओनली. क्लियर विद दिस? नाउ चलो फिक्स कॉस्ट के बारे में बात करते हैं. मटेरियल के कॉस्ट के बारे में बोला था, जो मेरा कौन सा कॉस्ट था? वेरिएबल कॉस्ट था. अभी फिक्स कॉस्ट के बारे में बात करते हैं. सपोज मैं बोलता हूँ रेंट विल इंक्रीज्ड बाय 10%. नेक्स्ट ईयर मेरा रेंट कितने से बढ़ने वाला है? 10% से इंक्रीज होने वाला है. तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, यहाँ पे हम लोग आंसर्स क्या लिखेंगे. तो अभी मैं 10 के जगह पे 15 बना रहा हूँ, वो तो इन्फॉर्मेशन है ही. बट अब मेरा रेंट क्या होगा? 10,000 प्लस 10% होगा कि 1,00,000 प्लस 10% होगा? जब मैंने ओनर के साथ बात की थी लास्ट ईयर, मैंने क्या बोला था? सर पूरे साल का रेंट कितना? 1,00,000. चलो 2016 है, फर्स्ट डे हम लोग दोनों साथ में बैठे हैं, उसने बोला इस साल है ना मैं रेंट 10% से बढ़ाने वाला हूँ. तो वो कैसे बढ़ाएगा? उसको तो ये पता भी नहीं कि 10,000 वो हम लोग ने हमारे रेफरेंस के लिए निकाला है. उसको बस ये पता है कि एक साल का रेंट कितना है? 1,00,000. तो नेक्स्ट ईयर जब बढ़ेगा तो वो क्या बोलेगा कि लास्ट ईयर 1,00,000 रुपया चार्ज किया था हमने रेंट का, प्लस इस साल हम लोग 10% से बढ़ा रहे हैं, तो रेंट कितना हो जाएगा? 1,10,000 हो जाएगा. एंड देन अगेन डिवाइडेड बाई, आप कितना यूनिट्स बना रहे हो? 15 यूनिट. सो यू विल से 1,10,000 डिवाइडेड बाई 15, दैट कम्स टू 7,333. क्लियर विद दिस? अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या करना है? अब इसमें ऑब्जर्वेशन का पॉइंट ये है कि जब आपका फिक्स कॉस्ट, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट, जब आपका वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है, आपने कौन से कॉलम में इफेक्ट दिया? सीपीयू कॉलम में. ओके, बिकॉज वो प्रोडक्ट कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट है. बट जब आपका फिक्स कॉस्ट चेंज होता है, 10% से इंक्रीज हुआ, आप क्या बोलोगे? लास्ट टाइम 1,00,000 का खर्चा था रेंट का, इस साल कितना हो गया? 10% से बढ़ गया. तो आपने कौन से कॉलम में इफेक्ट दिया? टोटल कॉस्ट कॉलम में इफेक्ट दिया. मतलब याद रखना है, व्हेन आई टॉक अबाउट फिक्स वेरिएबल कॉस्ट, आपको सीपीयू कॉलम में इफेक्ट देना है. व्हेन आई टॉक अबाउट फिक्स कॉस्ट, आपको टोटल कॉस्ट कॉलम में इफेक्ट देना है. तो इसका भी नोट हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे. ओके, सो फर्स्ट मीनिंग था, सेकेंड वो कॉन्स्टेंट रहता है कि नहीं, फिर आपका आएगा यहाँ पे थर्ड चेंजेस. अगर कुछ कॉस्ट में एंटिसिपेशन में चेंज होता है तो कौन से कॉलम में इफेक्ट देना है? तो आई विल से दैट चेंजेस में इफेक्ट ऑफ चेंज, इफेक्ट ऑफ चेंजेस, दैट इज आई विल से परसेंटेजेस में चेंज रहेगा, वो दिया रहेगा. चेंजेस इन कॉस्ट, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन कॉस्ट should be given in which column? If it is about variable cost, वो product cost column है, तो आपको CPU column में ही effect देना है. So just write this over here, it's CPU column. Effect of changes in cost, that is percentages में अगर कुछ change है तो CPU column, जैसे last year 5 रुपया था तो इस साल 5 की जगह पे 6 रुपया charge होगा. कैसे? 5 + 20%, जो हम लोगों ने calculation देखा है. बट इफ आई टॉक अबाउट अगेन फिक्स कॉस्ट, तो हम लोग क्या बोलेंगे? लास्ट ईयर रेंट था तुम्हारा 1,00,000, तो भी इंक्रीज हो जाएगा. तो इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन कॉस्ट शुड बी गिवन इन विच कॉलम? टोटल कॉस्ट कॉलम. टोटल कॉस्ट कॉलम. ओके, सो फर्स्ट मीनिंग क्या था वो देख लिया, फिर वो कांस्टेंट कहाँ पे रहता है और जहाँ पे कांस्टेंट रहता है वहाँ पे चेंज करना है. देखो सीपीयू कॉलम, सीपीयू कॉलम, टोटल कॉस्ट कॉलम, टोटल कॉस्ट कॉलम. नाउ द थर्ड एलिमेंट, इफ आई टॉक अबाउट थर्ड एलिमेंट, दैट इज क्वेश्चन इज साइलेंट. तुम लोग की तरह क्वेश्चन क्या है? साइलेंट है. क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है कि फिक्स्ड कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है. ओके, दिस वन इज फोर्थ. ओके, इट्स अ मिस्टेक. फोर्थ,
इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब एक खर्चा दे दिया है और बोला नहीं है कि वो फिक्स कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है, तो एक बेसिक अजम्पशन होता है, जो आपका डायरेक्ट कॉस्ट होता है ना वो हमेशा क्या होता है, वेरिएबल होता है। फॉर एग्जाम्पल सर मटेरियल ले लो, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ज़्यादा मटेरियल लगेगा, मतलब खर्चा बढ़ेगा, वेरी होगा। इफ़ आई से लेबर, तो वो भी एक यूनिट बनाएगा तो उसको 10 रुपया देना पड़ता है, और एक यूनिट बनाएगा और ज़्यादा देना पड़ता है, मतलब जितना यूनिट्स बढ़ेगा उतना खर्चा बढ़ेगा। मतलब जनरली नथिंग इज गिवन, माई डायरेक्ट कॉस्ट इज माई वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज आई विल राइट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अज्यूम दैट ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल, डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट। ओके नाउ If I talk over here, I will say if question is silent, then we have to assume if question is silent, assume that indirect cost, that is overheads, indirect cost, that is overheads, I will say another name, are fixed costs. Okay, so this is the basic summary. अब इसमें आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है तो देखो, अगर मैं सिंपली बोलू तो एक वेरिएबल कॉस्ट है, एक फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट जो वरी होता है, मतलब चेंज होता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा खर्चा बढ़ेगा। फिक्स कॉस्ट नाम के हिसाब से फिक्स्ड ही रहेगा, मतलब रेंट 1 लाख रुपए एक साल का है, आप एक बनाओ, 10 बनाओ, 15 बनाओ, एक साल का कितना रहेगा, 1 लाख रुपीज रहेगा। सेकेंड पॉइंट, आपका वेरिएबल कॉस्ट है ना पर यूनिट में सेम रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में सेम रहता है। रेंट याद रखने का, पूरे साल का सेम है 1 लाख रुपया। वेरिएबल कॉस्ट मतलब पर यूनिट खर्चा, प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब प्लास्टिक, एक के लिए 5, 2 के लिए 10, बट एक के लिए तो कितना, 5 ही रुपये तो है, तो वो पर यूनिट में क्या रहेगा, सेम। फिर द वेरिएबल कॉस्ट बोला मतलब पर यूनिट कॉलम, फिक्स कॉस्ट बोला मतलब टोटल कॉस्ट कॉलम। और एक स्टेप आगे, अगर आपको ये बोला जाए कि सर कुछ चेंजेस दिया है कि मटेरियल कॉस्ट इतने से बढ़ेगा, लेबर कॉस्ट इतने से बढ़ेगा, रेंट इतने से बढ़ेगा, तो अगर वेरिएबल कॉस्ट रहेगा तो कौन से कॉलम में इफेक्ट देने का, सीपीयू कॉलम, और अगर फिक्स कॉस्ट रहेगा तो टोटल कॉस्ट कॉलम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट मींस वेरिएबल कॉस्ट, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है तो, एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब ओवरहेड्स, मतलब आपका क्या रहेगा, आपका फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा। ओके सो अभी तक हम लोग ने बहुत सारी चीजें फिक्स्ड एंड वेरिएबल के बारे में सीखी। देयर इज वन अनदर कॉस्ट इज माई सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है वो भी जान लेते हैं। सो सेमी वेरिएबल, सेमी मीन्स आधा अधूरा, वेरिएबल मतलब आधा वेरिएबल एंड आधा फिक्स, तो ये क्या होता है कि आधा फिक्स आधा वेरिएबल, ऐसा हो सकता है क्या कोई कॉस्ट, हाँ हो सकता है ना। बेसिक एग्जांपल अगर मैं देने जाऊँ तो एक लेमैन एग्जांपल, आप जो मोबाइल यूज करते हो, आप मोबाइल यूज करते हो और सपोज वो बिलिंग है, पोस्टपेड है, तो आपका है ना वोडाफोन का सपोज सिम कार्ड है और आपका है कॉर्पोरेट एक सपोज प्लान है, विच आई एम यूजिंग लाइक यू विल से 600 का प्लान है, जिसके अंदर आपको 2000 मिनट्स है, 2GB नेट है, 4G एक्सेट्रा एंड मैसेजेस है 200। तो ये कार्ड है, इसका प्लान है, अब ये प्लान है 600 का, इसका मतलब ये तो पक्की बात है कि आप पूरे महीने में कुछ यूज करो या फिर कुछ यूज मत करो, आपको 600 रुपया बिल देना ही पड़ेगा, वो प्लान है और वो 600 रुपया रेंटल है आपका महीने का। और अगर सपोज मैं आपको ये बोलता हूँ वो लिमिट कितना था आपका, 2000 मिनट्स का, आपने गलती से ना 2500 मिनट्स यूज कर लिए, ज्यादा फोन पे बात की, कितना यूज किया 2500, तो आपका बिल कितना आएगा, 600 का आएगा, उससे ज्यादा आएगा, बिकॉज आपने 500 मिनट ज्यादा यूज किए, तो 500 मिनट्स का जो ज्यादा अमाउंट आपने पे किया ना उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो एक्स्ट्रा आया। 600 तो फिक्स था, पे करो मतलब यूज करो या फिर नहीं करो,
और एक एकदम बेसिक एग्जांपल लेते हैं ना, तो आपका रिक्शा, आप रिक्शा लेते हो सपोज मीटर का आपका मिनिमम फेयर है आपका 18 रुपीज। एक बार आप रिक्शा में बैठ गए, रिक्शा स्टार्ट हो गई, अब आप थोड़ी देर बाद एक मिनट बाद रुकोगे तो भी वो मिनिमम फेयर तो 18 पे करना ही पड़ेगा, वो आपका क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट। फिर आप थोड़ा सा और डिस्टेंस ज्यादा जा रहे हो, 18 के बाद जो बढ़ रहा है वो आपका क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, जो एक्स्ट्रा जा रहे हो तो उसके लिए वो आ रहा है। ठीक है सर, अभी भी नहीं समझा, तो एक प्रोफेशनल एग्जांपल लेते हैं अभी जो हमारे से रिलेट करता है, लाइक कंपनी है, कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज होती है। फिर अब जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखते हो ना, वो भी आपका ना वेरिएबल कॉस्ट है ना वो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो कौन सा कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। सर कैसे, इजी, देखो इलेक्ट्रिसिटी है, यूज हो रही है, आप किसी एक महीने में इलेक्ट्रिसिटी पूरे महीने के लिए बंद कर दो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज ही मत करो, क्या आपका बिल जीरो आएगा क्या? नहीं, कुछ अमाउंट तो आएगा ही आएगा, वो कुछ अमाउंट आएगा वो क्या रहेगा, जो पहले इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता कैसे, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है और एक जगह पर ना एक मीटर रहता है, आप बाइक चलाते हो तो उसमें भी मीटर, वो यूनिट्स रन होते हैं, वैसे इलेक्ट्रिसिटी का भी एक जगह पर एक मीटर रहेगा, जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करते हो ना उस हिसाब से वो यूनिट्स का कंजम्पशन होता है, वो आगे बढ़ते जाता है। तो हर महीने में ना एक मीटर रीडिंग होता है, मतलब एक पर्सन आता है वो देखता है कि अभी इतने यूनिट्स थे, 100 पे था, एक महीने बाद आया उसने देखा 150 तक चला गया, मतलब आपने कितने यूनिट्स यूज किए, 50 यूनिट्स यूज किए, 100 से 150 पे मीटर चला गया, मतलब आपने 50 यूनिट्स यूज किए इस महीने में। और लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक यूनिट का 10 रुपया, तो 50 यूनिट का कितना हो गया, 500, तो वो बोलेगा 500 रुपया उस चीज का बिल जो आपने यूज किया है, प्लस ये जो मीटर जहाँ पे लगा हुआ है उसका रेंट, मेंटेनेंस, कैलकुलेशंस वगैरह वो लोग जो कर रहे डिपार्टमेंट का, उनका सैलरी देते, तो वो मीटर रेंट वगैरह मिला के वो लोग एक रेट निकाल देते कि हर महीने हर एक पर्सन को 100 रुपया चार्ज करना ही है, तो बिल कितना आता है आपका, 600 रुपया, मीटर रेंट 100 रुपीज है, मतलब आप पूरे महीने में कुछ यूज नहीं भी करोगे ना तो आपका 100 रुपीज तो बिल आने ही वाला है, दैट इज माई फिक्स्ड कॉस्ट। फिर आप जैसे ही ज्यादा मतलब कंजम्पशन करते हो इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो जो यूनिट्स कंज्यूम होते हैं उसके हिसाब से जो बिल आएगा एक्स्ट्रा, दैट इज माई वेरिएबल पोर्शन, मतलब थोड़ा सा फिक्स है थोड़ा सा वेरिएबल है, मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या, विच इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। सेमी वेरिएबल कॉस्ट मीन्स partly fixed and partly variable, थोड़ा सा fix है and थोड़ा सा variable। semi variable cost के लिए आपके TY में अभी तक कोई कभी question नहीं पूछा गया, तो I'm not discussing in that detail कि उसका bifurcations वगैरह क्या होता है। Our major important element for us is variable cost and fixed cost. So we are done with the basic introduction of classification of cost on the basis of behavior, how do they behave. On the basis of this information, we're gonna start with question number 8, jahan pe ye information aapke liye bahut useful hoga. Again, nutshell, I will revise, variable ke liye CPU yaad rakho, fix ke liye aap kya yaad rakhoge, total cost column. That's it. So just jot this down, then we'll start with question number 8. Okay, thank you.